सरकार ने 16 मई को कैबिनेट की बैठक में राज्य में लगातार बारिश से राहत के लिए सब्सिडी देने की घोषणा की, लेकिन 10 दिन बाद भी सरकार ने कोई मदद नहीं की। विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने आलोचना की है। सरकार ने 16 मई को राहत एवं पुनर्वास विभाग को लगातार बारिश से हुए नुकसान की भरपाई के लिए अगले 10 दिनों में 3100 करोड़ की सब्सिडी देने का निर्देश दिया था, लेकिन अब 30 तारीख के बाद भी सरकार द्वारा अध्यादेश जारी नहीं किए जाने के कारण किसान मदद से वंचित रह गए हैं। बोने के लिए बीज खरीदने के लिए किसानों की जेब में पैसा नहीं है, इसलिए किसान मायूस है। सरकार ने करीब 1.5 से 2 महीने पहले यह ऐलान किया था कि लगातार हो रही बारिश को प्राकृतिक आपदा के तौर पर दर्ज किया जाए। साथ ही सरकार ने नागपुर की शीतकालीन सत्र और बजट सत्र के दौरान किसानों को मदद की घोषणा की, लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी किसानों को मदद नहीं मिली। इससे साफ है कि किसानों के प्रति सरकार का रुख क्या है। दानवे ने आरोप लगाया है कि सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है। कपास के दाम नहीं मिलने से कई किसानों के घरों में कपास पड़ी है। प्याज सब्सिडी की घोषणा की गई, लेकिन अभी तक वितरण नहीं किया गया। दानवे ने सरकार पर किसानों का शोषण करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार किसान विरोधी है। 16 मेला असं जाहीर केलं होतं की किमान 10 दिवसांमध्ये हे 3100 कोटी रुपये वितरित करावे अशा प्रकारचं मदत व पुनर्वसन खात्याला निर्देश दिले होते। आता 16 मे ते आज 30 मे म्हणजे पूर्णपणे 15 दिवस झालेले, 10 दिवसाचा विसर सरकारला पडला। एक आणि नैसर्गिक आपत्ती म्हणून सततच्या पावसाला समजलं जावं असा अध्यादेश 1.5-2 महिने झाल्यावरही अजून निघालेला नाही। तो आदेश निघाल्यानंतरच मला वाटतं असा निधी वितरित होऊ शकतो। परंतु सरकारचं शेतकऱ्याविषयीची भूमिका काय वाटतं ही याच्यातून दिसते। सरकार या शेतकऱ्यांना ज्या पद्धतीनं अन्याय करतं, अजूनही कापूस शेतकऱ्यांच्या घरात पडलेला आहे, शेतकऱ्यांना कापसाला भाव मिळेल अशी आशा शेतकरी करत आहेत, परंतु कापसाला भाव मिळत नाही। कांद्याचं अनुदान सरकारने जाहीर केलं, परंतु आजही कांद्याचं अनुदान वितरित झालेलं नाही। आणि सरकार एक प्रकारे शेतकऱ्याची पिळवणूक या महाराष्ट्रातल्या करतंय। विशेषतः कापसाला भाव जरुरी आहे, कांद्याला अनुदानाची आवश्यकता आहे, परंतु या कोणत्याही बाबीमध्ये सरकारचा अजून 1 रुपयाही सहभाग झालेला नाही। उलट सततच्या पावसाने झालेल्या नुकसानाची जी भरपाई आहे 3100 कोटी रुपये अजूनही शेतकऱ्यांच्या पदरात पडलेली नाही। जे शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीनंतर जे नियमित कर्ज फेड करतात अशा शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान देण्याची घोषणा झालेली होती, काही शेतकऱ्यांना मिळालं, पण अजून मेजॉरिटी शेतकरी अजूनही प्रोत्साहन अनुदानाच्या प्रतीक्षेत या महाराष्ट्रातील आहे। मी याच्यासाठी हा मुद्दा मांडतोय की आता पेरणी। NBC News के लिए राजकुमार मोहोड के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।